की सोच एक ऐसी उभर करके आई कि गांव के अंदर गांव की जनता को अपने गांव के विकास, गांव के अंदर स्वच्छता और एक गांव को एक मॉडल गांव बनाने की सोच को लेकर के मतदाताओं के अंदर एक जागरूकता के अभियान की शुरुआत करना और गांव का युवा और गांव के जो बुजुर्ग हैं, गांव की महिलाएं, वो सब एक जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करके एक गांव को कैसे एक स्वच्छ और सुंदर गांव बनाने का काम किया जा सकता है। हम यही सोच करके लगातार गांव पर चर्चा जैसा एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं और जब गांव के बीच में पहुंचते हैं, गांव के बीच में पहुंच करके और गांव के लोगों के बीच में उस आवाज़ को देना, और अभी तक मैंने एक बात महसूस की है कि जब भी हमने गांव के बीच में चर्चा की है तो गांव के लोगों ने बड़ी एकाग्रता से उन बातों को सुना, समझा और आपस में एक चर्चा भी उन्होंने की है कि आखिरकार किस प्रकार से कि कुछ होना चाहिए गांव के अंदर। जब गांव के नागरिक की चेतना ही जागरूक नहीं होगी, जब उनकी चेतना ही जागृत नहीं होगी, वो सोचेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर वो अपने मतदान का एक सही प्रयोग आगामी पंचायत चुनाव के समय कैसे करेंगे और भविष्य में अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक कैसे होंगे। हमने यही सोच करके गांव पर चर्चा की एक जो शुरुआत की है और मैं गांव के लोगों के बीच में पहुंच करके और गांव की महिलाओं के बीच में पहुंच करके, क्योंकि जब हम यहां बोलते हैं तो एक आवाज़ महिलाओं के बीच में भी पहुँचती है और महिलाओं से भी कहना चाहिए और महिलाओं की जो भूमिका है गाँव की स्थिति को लेकर के, महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि होता ये आया है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में बहुत सारे पुरुषों के द्वारा ही महिलाओं के वोट को तय कर दिया जाता है कि जब गांव की महिलाओं का मतदान उनके पति के द्वारा या गांव के उन पुरुषों के द्वारा तय कर दिया जाता है जो परिवार का एक मुखिया होता है, तो महिलाओं ने अभी तक अपनी मनपसंद के उम्मीदवार को चुनने का काम भी गाँव के अंदर नहीं किया है। ये एक बड़ा बिंदु है। जबकि जब हमने अभी बिहार का चुनाव कल देखा तो बिहार के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं ने अलग हट करके वोट किया है, तो बिहार की महिलाओं में ये जो जागरूकता आई है और जो देश के कोने कोने से महिलाओं को लेकर के एक जागरूकता आती है कि महिलाएं कैसे मतदान करें, तो महिलाओं का भी अपना एक स्वतंत्र मतदान हो सकता है और गांव की महिलाएं भी अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए, स्वच्छ गांव बनाने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जब एक स्वच्छ गांव के लिए कोशिश करेंगी, अपने घर के सामने के दरवाजे को साफ स्वच्छ रखने के लिए, नाली की साफ सफाई के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास ये है कि जिस दिन नाली की साफ सफाई होगी और गांव के अंदर गंदगी नहीं होगी तो मच्छर जो गांव के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं और उन मच्छरों के काटने से जो गांव के बच्चे बीमार होते हैं, वो मासूम जब बीमार हो जाते हैं और पता चलता है कि गांव के अंदर एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है, प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाओं की गांव के अंदर बहुत कमी है, किसी भी गांव की औसतन दूरी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर की तो होती ही होती है, और 10 किलोमीटर तक जब एक बच्चे को पहुंचना होता है उस वक्त आप देखिए क्या कहते हैं, होता क्या है कि खर्च एक ऐसा खर्च और इसके बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर का खर्च और प्राइवेट चिकित्सालय के अंदर का खर्च, ये सब मिला करके गांव के घर का जो बजट है वो लगातार खराब होता है। और जब गांव के जनता की चेतना जागृत होगी तो अपने गांव के अंदर भी वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की और प्राथमिक इलाज की मांग करने लगेगा। ये जितने भी बिंदु हैं इन बिंदुओं पर गांव की जनता के बीच में जागरूक होकर के चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हमने पिछले दिनों गांव पर चर्चा की थी नोनार के अंदर ही, और जब हमने नोनार की गरीब बस्ती में चर्चा की और गाँव कि एक सड़क जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से गड्ढा गड्ढे गड्ढे ही भरे हुए थे, पूरी सड़क चलने योग्य नहीं थी, गांव की जनता की गाड़ियां निकलती हैं, ई रिक्शा निकलते हैं, बहुत सारे साधन संसाधन निकलते हैं और होता यह है कि उस सड़क से निकलने पर गाड़ियों के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। जब हमने यहां से एक आवाज़ उठाई और प्रशासन द्वारा शासन के लोगों ने उसको सुना तो सुनने के पश्चात एक हफ्ते के अंदर ही गाँव की सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रयास शुरू हो जाता है। वो मैंने देखा कि अभी भी प्रयास हुआ है, गांव की उस सड़क को गड्ढा मुक्त किया गया है लेकिन पूरी तरह से वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। गांव इस तरह से उपेक्षित है कि कुछ जगहों पर गिट्टियां डाल करके जिले का प्रशासन चला गया है। आखिरकार ऐसा गांव की उपेक्षा करके हम भारत के विकास के स्वप्न को सार्थक नहीं कर सकते। एक तरफ हम भारत के विकास की बात करते हैं और एक तरफ गाँव की आवाज और गाँव का विकास
पूरी तरह से पीछे रह जाता है और उपेक्षित हो जाता है। हमने इन्हीं बिंदुओं को सोचते हुए, चूंकि जो पंचायत चुनाव भी करीब में है, तो होता क्या है कि गांव के अंदर से जातिवाद की वजह से या किसी भी प्रकार से आपस में जनता को लड़ा करके वो लोग चुनाव जीतते रहे जिनके अंदर बात करने की शैली नहीं होगी, जो एक अधिकारी के सामने गाँव की आवाज़ को स्पष्ट रूप से रख नहीं पाएंगे और जो अपने गाँव के विकास की एक भूमिका को तय नहीं कर पाते हैं। और गांव की जनता के द्वारा कभी भी गांव के विकास के लिए पूछा नहीं गया। गांव की जनता से कभी भी लोगों ने यह पूछा नहीं है कि कौन सी सड़क बनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कौन सी नाली के बनने से गांव का विकास होगा, या कैसे मवेशियों की व्यवस्था एक ऐसी जगह पर हो सकती है जिससे हम क्या कहते हैं पूरी तरह से सड़क को साफ सुथरी रख सकते हैं। एक सड़क के अंदर आपको धूल ही धूल मिल जाएगी, गंदगी से व्याप्त गाँव मिल जाएगा, और लगातार स्वच्छता के नाम पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था की गई और स्वच्छ भारत का नारा दिया गया, लेकिन स्वच्छ भारत में स्वच्छ गांव की भूमिका कहीं पर भी नजर नहीं आती है। प्रधानों की एक संगीन भूमिका लगातार नजर आई और पंचायत चुनाव के अंदर जिस प्रकार से गांव के अंदर पूरी तरह से नफरत, ईर्ष्या और द्वेष को भाव की भावनाओं को भर करके अपने उल्लू को सीधा करने के लिए लोगों ने गांव को आपस में विभाजित कर दिया है और गांव के विकास के लिए एक सार्थक संवाद नहीं हो पाया है। इस संवाद को करने के लिए, इन बातों पर जागरूकता फैलाने के लिए हम लगातार प्रत्येक गांव से और एक सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ क्या कहते हैं प्रत्येक गांव के युवाओं के पास तक पहुंचनी चाहिए। और गांव की जनता से एक गुजारिश भी करते हैं कि गांव की जनता इस बार पंचायत चुनाव के द्वारा देश और प्रदेश के नेतृत्व को साधने का काम करे, वो एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुनने का काम करे जो भविष्य में सिर्फ गाँव का ही नेतृत्व ना करे, वो जनपद का नेतृत्व, अपने क्षेत्र का नेतृत्व और पूरे प्रदेश के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक भागीदार बन सके और वो पंचायत के द्वारा पार्लियामेंट तक गांव की आवाज़ को उठाने का काम कर सके। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे आज भी याद है कि जब मेरी मम्मी ब्लॉक प्रमुख थी तो उस समय क्या कहते हैं, जैसे ये हमारा गांव था नोनार गांव में खारा पानी, एक खारा पानी लगातार आता है, इसके अंदर का जो भूगर्भ जल है, जो धरती के अंदर का पानी है, वो पूरी तरह से समुद्र जैसा एक खारा पानी है। समुद्र जैसे खारे पानी को देखते हुए एक पत्र उस समय चलाया गया था। पत्र के द्वारा कहा गया था कि इस गांव के अंदर पानी की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए एक जल टंकी की बहुत आवश्यकता है। उस जल टंकी का जब पत्र चला तो मान लीजिए उस वक्त मम्मी पद में रही या नहीं रही, नहीं रह गई, लेकिन अगले 5 साल बाद वो योजना स्वजल धारा के अंतर्गत आती है और गांव में एक जल टंकी का निर्माण होता है। जल टंकी का निर्माण होने के बाद गांव के अंदर पानी की सप्लाई शुरू करने की प्रयास शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमने जो देखा लगातार कि पानी की जो सप्लाई की व्यवस्था है पूरे गांव के अंदर की ये शिकायत है कि इस गांव में पानी की सप्लाई की जो पाइपलाइन है वो सही नहीं है और लोगों के घरों तक आज भी पानी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब जो समस्या आप दिल्ली में देखते हैं, जो समस्या आप किसी नगर और कस्बे में देखते हैं, वैसी समस्या, पानी की समस्या आपको गाँव के अंदर मिलने लगती है। तो गांव के अंदर की समस्या को हल करने के लिए हमें विचार करना होगा कि जब एक सशक्त नेतृत्वकर्ता होगा, जब उसके विचार अच्छे होंगे, जब उसकी सोच अच्छी होगी, तो आप ये तय मानिए कि उस गांव के अंदर के विकास के लिए वो एक अच्छी आवाज़ को देने का काम करेगा। तो इसलिए हमने ये जो आवाज़ एक तेज़ी से शुरुआत की है और हम गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें अपनी वाल पर और दूर दराज के गांवों तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो युवा वर्ग सुनेगा और आज जो एंड्रॉयड मोबाइल प्रत्येक गांव में पहुंच चुका है वहां तक क्या कहते हैं एक आवाज़ पहुँचेगी, तो सभी गाँव आपस में संगठित होंगे, गाँव की जनता आपस में संगठित होगी, गांव की जनता जातियों के विभेद से निकल करके, जातिवाद से निकल करके और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुनने के लिए जो काम करेगी, तो मैं समझता हूं कि पंचायत चुनाव के द्वारा एक जो राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है इस देश के अंदर, भू माफिया और बालू माफिया, इन सबसे जो आज़ाद करने की आवश्यकता है राजनीति को, माफियाओं से, उससे निजात गाँव की जनता पंचायत चुनाव के माध्यम से देने का काम करेगी। तो इसलिए गाँव की जनता से एक पुकार है, गाँव की जनता से एक निवेदन है, एक आग्रह
आग्रह है कि जितने भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं वो आपस में चर्चा करें और मंथन करें। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था और उससे विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, तो गांव की जनता जब आपस में मंथन करेगी कि इस मंथन के द्वारा हमें पंचायत चुनाव के द्वारा एक बड़ा संदेश देना है कि हम राष्ट्र और समाज के अंदर, देश और प्रदेश के अंदर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा और एक सामाजिक बदलाव भी आएगा। राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव और पुलिसिंग में बदलाव जो पिछले दिनों हमको दिखा, पुलिस एक हत्यारी पुलिस, एक घुसखोर पुलिस, और जो पुलिस क्या कहते हैं पूरी तरह से अत्याचार पर अवतारू हो जाती है, ये सब चीज़ें गांव के अंदर से जब नेतृत्व की एक बड़ी आवाज़ मुखर होगी तो आप तय मानिए कि निश्चित रूप से हम एक बड़ी आवाज़ बनकर के काम करेंगे और गाँव पर चर्चा के इस कार्यक्रम को हम लगातार बड़ी तेजी के साथ आगे लेकर के जा रहे हैं। एक गाँव हमारा प्रयोगशाला हो सकता है, एक गाँव के द्वारा हम एक आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात थी कि पिछले दिनों जब भी मैंने चर्चा की तो गांव के अंदर एक चर्चा हुई, लोगों ने आपस में चर्चा की, क्योंकि गौशाला की एक समस्या, जब आप देखते हैं कि गोवंश जब पूरी तरह से छूटा हुआ है, छुट्टा गोवंश किसानों